सर्वधर्म हनुमान मंदिर रेलवे स्टेशन परिसर द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रातः भगवान का अभिषेक होगा, अभिषेक के बाद श्रृंगार होगा, श्रृंगार के बाद 12:30 बजे महाआरती होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद जी सुनील सोनी जी से भी बात हुई है और पूर्व विधायक के साथ साथ सभी व्यापारी संघ के अध्यक्ष, चैम्बर अध्यक्ष अमर परवानी जी और सभी व्यापारी संघ के अध्यक्ष के साथ हनुमान भक्त, राम भक्त, शहर के गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। मुझे लगता है 8 से 10 हज़ार लोगों के इसमें प्रसादी ग्रहण करने और दर्शन का लाभ लेने की संभावना है। उस व्यवस्था को देखते हुए हम लोगों ने व्यवस्था की है, 10 हज़ार लोगों के लिए प्रसादी की भी व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने कमेटी बनाई है और रेलवे से आने जाने वाले यात्री जो हैं उनसे भी हम लोग हर वर्ष निवेदन करते हैं, इस वर्ष भी निवेदन करेंगे कि हनुमान जी का दर्शन करें, दर्शन का लाभ लें, प्रसादी ग्रहण करें। पार्किंग की व्यवस्था मैं फिर से बताना चाहूँगा, हम लोगों ने अलग से की है जिससे रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। साथ ही शासन प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, SDM साहब से, ADM साहब से अनुरोध किया है कि इतना विशाल आयोजन है, व्यवस्था बनाने का कष्ट करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने निमंत्रण भेजा है, उनके भी आने की संभावना है। रायपुर रेलवे स्टेशन स्थित सर्वधर्म संकट मोचन हनुमान जी का जो मंदिर है उस वहाँ पर हमारे द्वारा सभी दलों के जो लोग हैं वो किसी भी दल से जुड़े हुए हों, लेकिन वो मंदिर का जो आयोजन होता है उसमें सारे लोग मिल करके, एकजुट होकर के, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके धार्मिक भावना का प्रचार प्रसार हो, धार्मिक आध्यात्मिक चीज़ों से लोग जुड़े, इस दिशा में काम करते हैं। पिछले 2 वर्षों से कोविड कार्यकाल के कारण, कोरोना संक्रमण के कारण ये आयोजन नहीं हो पा रहा था। इस वर्ष इस आयोजन को, पिछले 2 वर्ष की जो कसर थी उसको भी पूरा करने का प्रयास हमारी समिति के द्वारा किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने से निवेदन किया है, उन्हें आमंत्रित किया है कि महाआरती में वो शामिल हों और सारे लोग मिल करके हनुमान जी की जयंती को धूमधाम से मनाएं। हमारी समिति का एक यही एक मंशा है हमारी कि सारे लोग आएँ, प्रसाद का ग्रहण करें और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें।